एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ, डोरिस क्रिएटिविटी चैनल पे। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और कैंडल वीडियो के साथ जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ, और आज मैं बनाने वाली हूँ जेल कैंडल। तो जेल कैंडल बनाने से पहले मैंने जो मैं बनाई इतना दिन प्रोसेस में, जो मुझको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी दिखा जेल के वैक्स के बारे में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी कैंडल बनाएंगे तो जेल वैक्स का, मैंने जेल वैक्स यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि वो चीज़ क्या है, मैंने क्या कौन सा वो बात है जो कि आपको जेल वैक्स मैंने यूज़ करेंगे जेल कैंडल बनाते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है गाइस, नहीं तो मैंने आग वग लग सकता है। तो चलिए फिर आज का कैंडल बनाते बनाते आप लोग के साथ कुछ दो बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हे एवरीवन, तो चलिए फिर आज जेल वैक्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, जब मैं लास्ट टाइम कितना दिन से मैं जेल वैक्स बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ, और क्योंकि कस्टमर लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं मेरा जेल वैक्स को। लास्ट टाइम मेरा जितना भी बनाई थी सारा ख़त्म हो गया, और मैंने जो जेल वैक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला, उसके बाद और भी ऑर्डर आए, तो वही सबको मैं बना रही हूँ। तो पिछला सप्ताह मैं बहुत ज़्यादा जेल वैक्स का काम की हूँ, तो मुझको ये चीज़ लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ गाइस। हे गाइस, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे भी हम लोग पैराफिन वैक्स, मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ पैराफिन वैक्स को, हम लोग जैसे कुछ काम है तो उसी जगह जैसे हम लोग काम कर, जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं उसको गैस में बिठा दी हूँ, और मैं जैसे नॉर्मल वाला मैंने कैंडल सब बना रही हूँ, जो भी जैसे सांचा हो गया उसमें मैं धागा बांध रही हूँ, तो उसको मैं थोड़ा मीडियम या हाई फ्लेम में भी करने से जैसे पैराफिन वैक्स उतना प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। हालाँकि ऐसे भी कैंडल उंडल बनाते हो तो आप जब मैंने सारा काम ख़त्म करके कैंडल बना रही हो तो उसी में कीजिए, और जब भी आप या मैंने गैस के पास से इधर उधर हो रहे तो गैस को ऑफ ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ये सब रिक्सी का काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने उसी जगह मैंने धागा डाल रही थी अपना मोल्ड में, और मैंने जेल वैक्स को वहाँ पे रख दी थी, तो मैंने गैस में बिठा दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं था, बट मीडियम फ्लेम में था मेरा गैस का बर्निंग, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा के लिए आग नहीं लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी गाइस उस दिन से। मैंने एक कभी कभी होता है ना, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने अवेयरनेस आ गया मुझ में, और मैंने जब भी कैंडल बनाती हूँ, पहले होता था कि पैराफिन वैक्स सबको मैंने हंडी बैठा दी हूँ, क्योंकि छोटा मैं तो जैसे कि मैं 2 रुपया 5 रुपया वाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है, तो मैं बड़ा हंडी यूज़ करती हूँ गाइस, बड़ा हंडी यूज़ करती हूँ, उसमें एक ही बार डाल देती हूँ मैंने वैक्स को, पैराफिन वैक्स को। उसके बाद आप लो फ्लेम या मीडियम और हाई में करके भी मैं इधर मैंने सांचे में धागा वगैरह बांधने का काम करती हूँ बैठ बैठ के, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है मुझको। बट जेल वैक्स को आपको उस टाइप से नहीं कर सकते हैं गाइस, और जेल वैक्स तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो आप जब भी जेल वैक्स बना रहे हो, तो जो जेल वैक्स, तो ज़्यादातर हम लोग इस टाइप से ही ग्लास वगैरह बोल वगैरह में बनाते हैं, तो आपको धागा वगैरह सारा रेडी कर लीजिए पहले, बाटी बोल ग्लास जो में भी आप बना रहे हो। उसके बाद जेल वैक्स को गर्म करके आपको फोकस रखना है गैस के ऊपर में ही, और तुरंत ही गर्म करके, ऐसे भी तुरंत उतर के रखने से वो मैंने ठंडा हो जाता है, और उसको आप लोग मैंने नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो तुरंत ही मैंने गर्म करने के बाद आपको ग्लास वगैरह बाटी में जो भी आप बना रहे हो उसमें डालना है। लेकिन आप जैसे जैसे मैं बोली पैराफिन वैक्स में मैं उसमें काम कर रही हूँ, धागा वगैरह बांध रही हूँ सांचे में, और इधर भी मैंने गैस में बिठा दी हूँ, बट जेल वैक्स के साथ आप लोग इस टाइप से नहीं कर सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इसलिए मुझको लगा कि ये चीज़ सबको शेयर कर देना चाहिए, जेल वैक्स में बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है, इसे गैस में बैठा के आप लोग नहीं काम कर सकते हो। गैस में आप बना रहे तो हमेशा उसका फ्लेम लो ही रखें, मीडियम करने के बाद आप थोड़ा लो कर दीजिए, उसी से आप गर्म करके उसको मैंने चला चला के उसको मैंने गर्म कीजिए। अब ऐसे नहीं है कि आप उसको चढ़ा दे और दूसरा काम करें, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है गैस। तो ये रहा जेल वैक्स के लिए, मैंने जेल वैक्स चलता बहुत अच्छा है, कस्टमर लोगों ने बहुत अच्छा मैंने रिव्यू दिया मुझको, और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, अभी ऑर्डर भी है, वही सबको बना रही हूँ। बट मुझको ये चीज़ लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब गैस हो उसमें, और स्टील का बर्तन तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, करने से एल्युमिनियम सबका ही यूज़ कीजिए, ये जेल वैक्स सबके लिए। तो मुझको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्क लगा गाइस ये जेल वैक्स बनाते वक्त, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर लूँ। तो यही था जेल वैक्स बनाते वक्त आपको ये चीज़ का मैंने विशेष का ध्यान रखना है। तो ये था आज का जेल वैक्स के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को
तो ये रहा गाइस आज जेलबैक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताई। आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों को कुछ जानकारी दे पाई हूँ मेरे वीडियो के जरिए आप लोगों को। तो आज मैं देखिए इस टाइप से मैंने पैराफिन वैक्स का ये छोटा छोटा गिलास सब में बनाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा कस्टमर लोगों को पसंद आया। तो मुझको सेम इस टाइप से ही बट जेल वैक्स में इसे गिलास में बना के देना, और इस टाइप से जो मैं ये ब्लूबेरी सब डाली हूँ इस टाइप से ही मैंने जेल वैक्स का बना के देना, इस टाइप से मुझको ऑर्डर आया है। तो आज मैं उस जेल वैक्स का बनानी हूँ, सेम प्रोसेस में बनाऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। हे एवरीवन, चलिए फिर आगे का वीडियो में बने रहिए। देखिए मैं सेम ही प्रोसेस में बना रही हूँ, जस्ट ये खाली जेल वैक्स है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ ये वाला सिलिकॉन मोल्ड में बनाने के लिए इस टाइप से, बट हाँ ये जेल वैक्स है तो इसको बहुत ही ज़्यादा आराम से निकालना पड़ेगा। अच्छा से निकाल रही हूँ इसके लिए आस्ते आस्ते से, क्योंकि फट जाएगा फिर ये। तो यहाँ पर देखिए ये बन के रेडी हो गया स्काई ब्लू में, ग्रीन में, और मैं एक कलर बनाने वाली हूँ पर्पल में। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे गाइस मैंने थोड़ा सा जेल वैक्स गर्म कर लिया, उसके बाद ये गिलास में देखे स्टेप से चिपका दूंगी, और जेल वैक्स बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है ये सूखने से। तो इसको थोड़ा सा मैंने ही जस्ट गर्म किया था इसको चिपकाने के लिए, विक्स कंटेनर को यहाँ पर सेंटर में चिपका देने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लूबेरी मैं बनाई हूँ इस टाइप से, इसको नीचे डालूंगी आज मैं, क्योंकि जेल वैक्स तो इसे ना मैंने इतना लाइटिंग दिखता है तो इसको नीचे डालने से भी होगा। तो मैं अपने ही हिसाब से बना के दे रही हूँ, बट उसको इस टाइप से जो कस्टमर लोग ने मुझको बोला है वो लोग को इस टाइप से ब्लू मैंने ब्लू ग्रीन पर्पल सब में चाहिए, बट ये वाला ब्लूबेरी को भी बना के देना है। बट ये जेल वैक्स में पैराफिन वैक्स का तो लिया ही है उन लोगों ने, बट उसको जेल वैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला है गाइस। तो इसीलिए देखिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाला गिलास अलग अलग डिज़ाइन का है, इसलिए यहाँ पे मैंने चार पीस मैंने डाला था, तो यहाँ पे तीन पीस ही डालूँगी, क्योंकि ये गिलास का जो नीचे का पार्ट है ना वो छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर तीन ही समा रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए रेडी हो गया है, धागा डालने के बाद आपको इस टाइप से डाल देना है। तो यहाँ पे फिर मैंने वैक्स को गर्म कर लिया है, मैंने वैक्स में कुछ भी ऐड नहीं किया है गाइस, जस्ट अभी यहाँ पे एरोमा मैं डाल मैंने ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा बचा था ना, तो मैं सबको यहाँ पे डाल दे रही हूँ, हालांकि ज़्यादा ही है अभी। यहाँ पे मैं दो चम्मच में डालती इतना इसमें मैंने जितना मैं बना रही हूँ, बड़ा वाला चम्मच में जो गोल वाला चम्मच होता है उसमें दो चम्मच डालती, बट ये ख़त्म होने को है इसलिए मैंने सारा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे गर्म करने के बाद यहाँ पे डाल दे रही हूँ एक एक करके गिलास में। तो देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है बनाने के लिए, और जलता भी काफ़ी अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, और मैंने ज़्यादा कोई झोड़ झमेला नहीं है जेल वैक्स बनाने में। खाली जो जो मैं आप लोगों को बातें बोल रही हूँ सबको जस्ट ध्यान देना है। तो ये रहा देखिए बन के मेरा जेल वैक्स रेडी हो जा रहा है। गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म डाल दिया था जेल वैक्स को, तो इसीलिए थोड़ा सा कलर जो मैं ब्लूबेरी नीचे डाली उसका उठ के आ गया था। तो देखिए ये भी ख़राब नहीं लग रहा, अच्छे ही लग रहा है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए जो लोग भी मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाइए गाइस, ताकि इसी तरह का वीडियो मेरे इस चैनल पे आप लोग देख पाएंगे। तो ये रहा आज का, मुझको तो काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।